गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है कक्षा 12 में पर्यावरणीय समस्या में नया टॉपिक है ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण का मतलब है जो ओजोन परत है उस ओजोन परत में ओजोन गैस की क्या हो जाना, कमी आ जाना, या ऐसा कह सकते हैं जो समताप मंडल है उस समताप मंडल में पाए जाने वाली ओजोन गैस में कमी आ जाना। अब ये गैस बहुत महत्वपूर्ण है, ये परत जो है बहुत महत्वपूर्ण परत है, इसलिए इसके बारे में अधिक जानकारी लेना हमें जरूरी हो जाता है। देखिए आप वायुमंडल संरचना बड़ी है, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वायुमंडल संरचना है, तो ये ओजोन मंडल जो है इसका एक नाम हम दे सकते हैं ओजोन मंडल, ठीक है ना। इसको हम ओजोन मंडल के नाम से भी समताप मंडल की जो उप परत है उसके बारे में भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, जो और समताप मंडल की ऊपर वाले हिस्से के अंदर स्थापित है जो गैस की है। वायुमंडल में एक संरचना की अगर दृष्टि से देखें, ठीक है ना, तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें ये होता है क्षोभ मंडल, क्या होता है क्षोभ मंडल, और ये होती है क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल और क्षोभ सीमा। तो क्षोभ मंडल जो है कि क्षोभ मंडल और क्षोभ सीमा के बाद जो मंडल शुरू होता है वो होता है समताप मंडल, कितना होता है समताप मंडल, और समताप मंडल की जो सीमा होती है वो समताप सीमा होती है जो कि मध्यम मंडल को अलग करती है, मध्यम मंडल, ठीक है ना। मध्यम मंडल के बाद में एक सीमा मध्य सीमा होती है, ठीक है ना, जो बहिर्मंडल है या वायुमंडल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, समताप सीमा, मध्य मंडल और बहिर्मंडल, इसको एक दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें सामान्य स्थिति के अंदर डायग्राम से इसको देखें तो देखिए सबसे पहले है कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल, कौन सा क्षोभ मंडल, इसके बाद में दूसरा जो है वो कौन सा है समताप मंडल, ठीक है। अब समताप मंडल का ही एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओजोन मंडल, जो जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओजोन मंडल। इसके बाद में जो है मंडल वो है मध्यम मंडल, और मध्यम मंडल के बाद में जो है वो है वायुमंडल, ठीक है ना। ये स्थिति जो है वो वायुमंडल की रहती है, तो सबसे पहले जो मंडल आता है क्षोभ मंडल है, और समताप मंडल, समताप मंडल के अंदर ही कौन सी है ओजोन मंडल है। अब ये ओजोन मंडल जो है समताप मंडल के रूप में इसको हम स्थापित करते हैं समताप मंडल के अंदर है, तो ये समताप मंडल में जो ओजोन की सांद्रता जहां जा रहा है, समताप मंडल में जहां ओजोन गैस की सांद्रता ज्यादा है, यानी जिस क्षेत्र के अंदर समताप मंडल के जिस क्षेत्र में ओजोन आयन की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। समुद्र तल से लगभग इसकी जो ऊंचाई रहती है वो 30 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में रहती है, समताप मंडल वाला होगा इसलिए क्षेत्र है, इसको हम ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन गैस यहां पाई जाती है इसलिए इसका नाम ओजोन मंडल के नाम से भी जाता है, इसलिए इसको ओजोन। अब इसमें जो समस्या आ रही है वो क्या आ रही है, क्षरण की आ रही है, ओजोन के क्षरण की क्या आ रही है, समस्या आ रही है, ये क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समताप मंडल जो है, और आपको बताते हैं क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल है उसी के ऊपरी जो परत पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, इस समताप मंडल की जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो ओजोन परत वाला ये सिस्टम है, समताप मंडल वाला ये सिस्टम है। इस समताप मंडल में ओजोन गैस की क्या पाई जाती है, घोलता पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम ओजोन मंडल भी रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ ओजोन की बहुलता पाई जाती है, और ओजोन परत क्या काम कर रही है अभी इसके बारे में बात करें, तो ओजोन क्षरण हो रहा है, ओजोन है क्या इसके बारे में बात करें, ओजोन क्या करती है कि वायुमंडल का ये रक्षक वर्ष माना जाता है, ओजोन मंडल जो है उसको वायुमंडल का रक्षा कवच मानते हैं। रक्षा कवच का मतलब हो गया कि जैसे मान लो एक तरह से लेमिनेशन टाइप में, ठीक है ना,
जैसे हमने कोई भी चीज है, जैसे कोई पोर्ट है, ठीक है ना, ऐसा कोई पोर्ट है। अब इस पोर्ट के चारों तरफ हमने एक पॉलिथीन लगा दी, क्या लगा दी, एक पॉलिथीन लगा दी, ठीक है, और इसको धूप में रख दिया, ठीक है, धूप में रख दिया। तो अब ये धूप से भी इसको बचाएगी, यूवी से भी इसको बचाएगी, और जल से भी इसको बचाएगी, इसको बचाएगी, पोर्ट को बचाएगी। बात तो ये जो बाहर की खेती है, ये इस पोर्ट का क्या करेगा, ये क्या है इसका रक्षा कवच। उसी प्रकार वायुमंडल का जो रक्षा कवच है, वायुमंडल का रक्षा कवच निकालते हैं कि सूर्य से आने वाली जो परावैद्युत किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो परावैद्युत किरणें हैं, किरणों को ये ओजोन मंडल की गैस जो होती है वो अवशोषित करती है। ओजोन गैस जो होती है वो उन परावैद्युत किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, और तापमान को उतना ही धरातल तक पहुंचाने देती है जितना पानी में जीवन के लिए या फिर जीव जगत के लिए क्या हो आवश्यक होता है। उसी का तात्पर्य यह है कि ये निश्चित रूप से हमारा रक्षा कवच माना जाता है, वायुमंडल का रक्षा कवच मान सकते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो परावैद्युत किरणों से सूर्य से आने वाले जो हानिकारक किरणें हैं जिनका पानी में जीव जगत पर भी और संपूर्ण जीव जगत और पानी जगत जो है उन पर सबका क्या पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो उन सीधी परावैद्युत किरणों को आने से, धरातल पर आने से क्या करती है, इसलिए वायुमंडल का क्या है रक्षा कवच इसको माना जाता है, ठीक है ना। बात करें ओजोन परत का लगातार क्या क्षरण होना, एक समस्या आ रही है हमारे सामने, जिसको कहते हैं ओजोन का क्षरण होना या ओजोन परत का पतला हो जाना या ओजोन परत में ओजोन की कमी हो जाना या ओजोन परत में छिद्र हो जाना, ये कई से टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है, शब्दावली को यूज किया जाता है। तो क्या है कि ओजोन गैस की कमी हो जाना, समतापमंडल या ओजोन मंडल में ओजोन गैस की कमी हो जाना, कमी हो जाने से कहने का तात्पर्य उसकी जो सांद्रता है यानी कि उस गैस की जो कुल प्रतिशतता है, यानी जितनी गैस होनी चाहिए उतनी गैस में अगर किसी कारणों से, कोई भी कारण हो सकता है, किसी कारणों से जो उसकी संरचना है, उसकी जो बनावट, उसका जो गठन है, उस गठन में क्या आ जाना, कमी आ जाना, यानी उसकी मात्रा में क्या आ जाना, कमी आ जाना। जितनी गैस चाहिए थी उतनी गैस तो है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से उस गैस में क्या हो गई, कमी हो गई, तो उसको कहते हैं सांद्रता में क्या आ जाना, कमी आ जाएगी। और जो उस गैस का क्षरण होने का तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन गैस में क्या आ जाना, कमी आ जाएगी, उसको कहते हैं उसकी सांद्रता में कमी। अब कमी वाले जो क्षरण होते हैं, पूरा जो वायुमंडलीय सिस्टम है, जो समतापमंडल का विशाल का क्षेत्र है, जो समतापमंडल का 30 से लेके लगभग 80 किलोमीटर का जो मध्यमंडल का सिस्टम भी इसके अंदर शामिल करके करते हैं, तो 30 से लेके 80 किलोमीटर के बीच में लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई वाले विशाल का क्षेत्र में जहां जहां ओजोन गैस की कमी हो रही है या ओजोन की सांद्रता में कमी हो रही है, वहां छोटे छोटे ऐसे छिद्र से बन जाते हैं, जिनको सामान्य भाषा में उस कमी वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटे छोटे खाली क्षेत्र हो जाते हैं, खाली क्षेत्र का मतलब है जैसे ये ओजोन का क्षेत्र है, इसको भी ओजोन का क्षेत्र मान रहे हैं, पूरा ये क्या है, ओजोन का क्षेत्र मान लिया, ये हमारी पृथ्वी का स्वरूप मान लिया, ठीक है ना। अब इसमें ये देखिए, ये सारा सब हुआ। अब इसके बीच बीच में जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों पर खास करके इन क्षेत्रों में, खास करके ध्रुवीय क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों के आसपास ओजोन गैस की कमी हो गई है, ओजोन गैस की सांद्रता में क्या हो गई, कमी है, ऐसा भी कह सकते हैं कि परत जो है वो थोड़ी क्या होगी, पतली होगी। इस क्षेत्र से अगर हम देखें तो इसकी परत जो है वो थोड़ी क्या होगी, पतली हो गई, इधर से भी इधर से भी, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी ऐसा, ठीक है ना। इसकी परत क्या हो गई, पतली परत हो गई इन क्षेत्रों में, जहां जहां ओजोन की कमी हुई उन क्षेत्रों में इस परत की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है ना। इसको हम ऐसे ऐसे ले सकते हैं,
ये विकसित करते ध्यान दे रहे थे, लेकिन यही कारण से इन क्षेत्रों में ऐसे जो है उनकी सतर्कता में क्या आ गई, कमी आ गई। तो कमी आने से हमें लगता है जैसे ये अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम छेद कहते हैं, हालांकि ये छेद नहीं है बल्कि उस ओजोन परत की कमी के कारण वो परत का जो है स्वरूप जो है वो वहां से क्या हो गया, हट गई, इसलिए वो पतला हो गया। तो परत का पतलापन भी कह सकते हैं इसको। तो ये जगह जगह पर जहां ओजोन की कमी हो गई है उन क्षेत्रों को हम ओजोन परत का क्षरण कह सकते हैं या ओजोन परत का पतलापन कह सकते हैं, और उनको सामान्य भाषा में हम क्या कह सकते हैं, छिद्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, छिद्र। जहां जहां ओजोन परत की कमी आई है उन क्षेत्रों को सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, छिद्र। अब इसमें आई ओजोन में आई या ओजोन मंडल में क्षेत्रों की कमी है, ओजोन के गैस के अंदर ये कमी आई है, इसलिए हम उनको सामान्य भाषा में ओजोन छिद्र कह देते हैं। ओजोन परत में जो है वो छिद्र हो रहे हैं, और छिद्र होने का तात्पर्य सीधा सा संपर्क इसके ऊपर आता है परावैद्युत किरणों पर। क्यों आता है कि देखिए, जैसे मान लो ये छिद्र हुआ, तो छिद्र होने का तात्पर्य है कि यहाँ ओजोन परत की सांद्रता में क्या आ गई, कमी आ गई। तो देखिए यहां से आने वाली परावैद्युत किरणें हैं, यहां से आने वाली परावैद्युत किरणें हैं। अब एक थोड़ा सा यहां से ध्यान देख सकते हैं इस डायग्राम से कि यहां से भी परावैद्युत किरणें आ रही है, सूर्य से आने वाली किरणें। अब ओजोन परत में जैसे वो प्रवेश करती हैं तो इन किरणों को यहां से लेकर और यहां तक दूरी तय करनी पड़ती है, और यहां से यहां तक दूरी तय करती है तो ये ओजोन गैस जो है वो इन परावैद्युत किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद में उतना ही तापमान पृथ्वी तक भेजती है जितना तापमान चाहिए, और इससे मौजूद जो हानिकारक तत्व है उनको भी वो किस तरह कर लेती है, अपने में शामिल कर लेती है। ये हो गया। अब देखिए, अब इस परत को यहां तक दूरी तय करनी पड़ेगी और इस परत को यहां तक भी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहां तक ओजोन गैस क्या हो रही है, परावैद्युत किरणें प्रवेशित हो रही है, ठीक है ना, और लंबा समय भी नहीं, बस केवल इसको भेजकर अंदर जाना है, तो वो तुरंत इसके अंदर से क्या करेगी, इसको भेजकर अंदर चली जाएंगी। जब परावैद्युत किरणों का प्रभाव पृथ्वी के क्षेत्रों पर पड़ेगा तो निश्चित रूप से जो जीव जगत है, जीव जगत वाला पादप आते हैं, जंतु आते हैं, मानवीय सिस्टम आते हैं, उन सब पर इन परावैद्युत किरणों का क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण कई वनस्पतियां विलुप्त हो जाएंगे, जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे, अधिक तापमान और इन किरणों के जो हानिकारक प्रभाव है उन पे मानवीय जीव जगत के अंतर्गत श्वसन क्रिया के अंदर दिक्कत होगी, त्वचा से संबंधित रोग होंगे, ठीक है ना, आपके पेड़ पौधे जो है उनके श्वसन क्रिया के अंतर्गत दिक्कत देखी जाएगी, बहुत से जीव जंतु जो है वो अधिक ताप को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ताप को अवशोषित करती है और ये ताप को अवशोषित करेंगे लेकिन कम करेंगी और अधिक तापमान कहाँ आएगा, तो ये भी एक फैक्टर पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो ओजोन परत के जगह जगह पर इन्हीं कारणों से उस कारण के बारे में हम जानकारी लेंगे, कौन कौन से कारण है, तो उन कारणों के माध्यम से संवाद मंडल या ओजोन मंडल के जो क्षेत्र है उनमें उन क्षेत्रों में खास करके दुर्गीय जो क्षेत्र है उन दुर्गीय क्षेत्रों में ओजोन परत का क्या है, क्षरण है, ओजोन परत के अंदर ओजोन गैस की क्या आई है, कमी आई है, और इस कमी के कारण इन किरणों का प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। इस तरीके से इन किरणों के प्रभाव से जो समस्याएं पैदा हो रही है वो समस्याएं वायुमंडलीय समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है, इसीलिए इसको पर्यावरणीय समस्या के संदर्भ में देखा जाता है, और वो नाइट्रोजनेशन ओजोन क्षरण, क्षरण का मतलब आ जाना कमी, क्षय हो जाना, ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय का मतलब परत तो ये है, क्षय का मतलब इस परत के अंदर कमी आ रही है। इन कारणों से उन कारणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक अनुमान के अनुसार 1970 की बात में एक अनुमान आया था, 1970 के दशक के अंतर्गत, क्योंकि उसके बाद में तो देखो जैसे जैसे ऐसे रिसर्च आए, रिसर्च आने के बाद में देखा कि ये परत तो बहुत इंपॉर्टेंट परत है, सामान्य रूप से मानते हैं ये परत बहुत इंपॉर्टेंट परत है, और उसके अंदर क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो उसके बाद में फिर जन जागरण अभियान चलाए गए, ठीक है ना, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले जो कारण है उन कारणों को खोजा गया, उनके उपाय सोचे गए, वो तो बात की बात है, लेकिन एक रिसर्च के माने तो 1970 के दशक में जब ओजोन परत की कुल मात्रा जो थी ओजोन के अंतर्गत उद्योग की उसके अंदर ओजोन की 4% की क्या कमी आ गई, और सबसे ज्यादा
मिलती है, और साथ ही साथ क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के साथ साथ आपसी इसी बात है इसके नीचे कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है, और निश्चित है इसका प्रभाव क्षोभ पर भी पड़ेगा। क्षोभ मंडल में भी जो ऊपरी सीमा है जो समताप पट्टी के पास लगती हुई क्षोभ सीमा है, उस क्षोभ सीमा में भी ओजोन की रिक्तता देखने को मिलती है। तो ये ओजोन पट्टी के शरीर के रूप में आते हैं। पहले हमने देखा कि ओजोन पट्टी किसे कहते हैं, क्या स्वरूप है इसका, फिर वो किस कारण से कैसे क्या काम करती है, और क्या काम करने के बाद में उसको ओजोन पर या ओजोन क्षेत्र या ओजोन क्षण को कहते हैं, इन कारणों से कहते हैं कैसे इसका स्वरूप बना है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं ओजोन पर के क्षण के कारण कौन कौन से हैं, ओजोन पर के क्षण के कारण के बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिनके कारण इस फेस में क्या आई है कमी आई है। एक बार और मैं बता दूं, करोड़ों साल पहले, ठीक है ना, सैकड़ों करोड़ों अरबों साल पहले की व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो ये प्रक्रिया चली आ रही है, ठीक है ना। करोड़ों साल पहले ये स्थितियां चली आ रही है, वायुमंडल का निर्माण हुआ, ये प्रक्रिया हुई, ये स्थिति हुई, वायुमंडल के अंदर नदी और प्रकृति में बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए जिनके कारण वायुमंडल को दूषितता प्रदान की गई विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय घटनाओं से, चाहे वो हवा की हो, चाहे ज्वालामुखी का हो, चाहे भूकंप हो, चाहे भूमि से ताप से निकलने वाले जहरीले गैस हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, वो प्रक्रिया हमेशा से चली जा रही थी। लेकिन उनके होने की प्रक्रिया और प्रकृति में संतुलन की प्रक्रिया बराबर थी, इसलिए वो घटनाएं इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं होती। लेकिन अब वो ज्यादा प्रभावी होने के पीछे कारण है मानव का विकासवादी होना, मानव अपने आप को विकास के स्वरूप में आगे लेके चलता है, दूसरे को आगे से आगे आगे से आगे बढ़ना है। जब उसने इस तरीके की स्थिति देखी कि मेरे को आगे से आगे बढ़ना है, तो उसने प्रकृति का अति दोहन करना शुरू कर दिया, और अति दोहन के कारण जो अवशिष्ट अवांछनीय तत्वों की मात्रा इस पर्यावरण में बढ़ी, तो उनके कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई, और उसमें एक समस्या जो है वो ओजोन क्षरण की है। तो ओजोन क्षरण में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण आता है वो मानव की क्रियाविधि या मानव की गतिविधियों को शामिल करते हैं, जो सभी प्रकार की समस्याओं का क्या है जन्मदाता माना जाता है। ये कुछ कारण है प्रमुख रूप से जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार माने जाते हैं। इन कारणों को हम कहते हैं ओजोन परत के मुख्य कारण, ओजोन परत क्षरण के मुख्य कारण जो है वो किनको मानते हैं, इनको मानते हैं। अब चूंकि ओजोन क्या है, एक गैस है, और उसके साथ जो क्रिया करती है वो भी कौन करती है, गैसें करती हैं, और इन गैसों के क्रिया के गैसों की व्यवस्था के कारण ही इनके कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ओजोन को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। ये हैलोजोनिक जो गैसें हैं, हैलोजेन गैसें जो है, हैलोजेनिक गैसें, इनमें आती है कौन कौन सी, क्लोरोफ्लोर कार्बन आती है, सीएफसी को बोलते हैं, क्लोरीन आती है, ठीक है ना। ये सीएफसी के विघटन से बनने वाली गैस है, जब सीएफसी जो होती है जब विघटित होती है उससे क्लोरीन बनता है, ब्रोमीन है, क्लोरीन और ब्रोमीन मिलकर भी एक अणु बनाती है, और एक ऐसी चीज जिसमें क्लोरीन मोनोऑक्साइड के रूप में इसका स्वरूप देखते हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ये जो गैसें हैं जो जिनका विघटन जैसे ही होता है या फिर मानव के द्वारा उनको वायुमंडल के अंदर फैलाया जाता है, तो ये सारी गैसें जो है इनको हैलोजेनिक गैसें बोलते हैं। कौन सी गैसें बोलते हैं, हैलोजेनिक गैसें बोलते हैं, और ये गैसें जो है वो ओजोन के जो अणु है उन अणुओं को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जब ये जितने भी गैसें हैं, इन गैसों के परमाणु जब ओजोन के अणुओं के साथ क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद में उसके अंदर ओजोन ऑक्सीजन के जो कणों होते हैं उन ऑक्सीजन के कणों को मुक्त कर देते हैं, कभी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, मुक्त और शामिल होने से एक नए प्रकार का एक क्रिया होती है, उस क्रिया के कारण ओजोन परत के जो आयन है उनमें क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। यानी ओजोन के जो गैसे हैं उन गैसों में कमी आती है, और उन गैसों में कमी आने की स्थिति को ही हम ओजोन का क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन का क्षरण कहते हैं। देखिए समताप मंडल में जो है वो क्लोरीन के जो परमाणु है उनके फैलने से,
से जो ओजोन परत के अंतर्गत संभाप मंडल के रूप में मानते हैं, संभाप मंडल का इस रूप में निश्चित परत जो है वो ओजोन परत का रूप मानते हैं। तो संभाप मंडल के अंदर क्लोरीन के परमाणु की अधिकता होने के कारण, क्लोरीन के परमाणु की अधिकता होने के कारण या उनके परमाणु के फैलने के कारण ओजोन परत में क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। इसका मुख्य जो कारण मानते हैं वो ये मानते हैं। और इसके अलावा क्लोरीन और ब्रोमीन ये महत्वपूर्ण गैसों के रूप में आते हैं। इनके परमाणु जब ओजोन के परमाणु अणुओं से संपर्क करते हैं और संपर्क करने से क्रिया करते हैं, जिसके कारण ओजोन के जो अणु है वो नष्ट हो जाते हैं और ये क्लोरीन और ब्रोमीन के जो परमाणु है उनकी अधिकता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन के साथ जब वो क्रिया करते हैं तो एक तरह से नई प्रकार की क्रिया हो जाती है, जिसके कारण ओजोन परत के जो अणु है वो नष्ट हो जाते हैं। यानी कि ओजोन की जो सांद्रता है या ओजोन की मात्रा जो है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और इस कमी को ही हम कहते हैं ओजोन परत में क्षरण हो जाना या ओजोन परत का पतला हो जाना या ओजोन परत में छिद्र हो जाना। दूसरा ये क्या कहना कि क्लोरीन के परमाणु फैलने का कारण क्या हो कि सीएफसी। अब एक चीज और मानते हैं हम कि सीएफसी को ओजोन परत के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। जब भी हम बात करते हैं ओजोन परत के क्षरण की तो उसमें एक चीज देखते हैं कि सीएफसी का उपयोग ज्यादा हो रहा है। सीएफसी का उपयोग ज्यादा होने का कारण है कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। सीएफसी का उपयोग होने से ही ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। इसी के कारण ओजोन परत उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां ठंडे क्षेत्र यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन परत के क्षरण की मात्रा ज्यादा हो रही है। उसके पीछे कारण यह है कि सीएफसी वो गैस है जो ठंडी व्यवस्था को रखने में उपयोग ली जाती है। यानी किसी भी यंत्र के ठंडे होने की व्यवस्था या ठंडा करने की व्यवस्था के लिए सीएफसी का उपयोग किया जाता है। और एक मानव निर्मित कृत्रिम गैस मानी जाती है जिसको ठंडे रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब अब इसमें एक नाम आया क्लोरीन, क्लोरीन के कारण परमाणु फैलने से क्षरण होता है। जब अच्छा ओजोन परत के लिए हम कौन सी गैस को मानते हैं, सीएफसी को जिम्मेवार ठहराते हैं। और वातावरण में कौन से तत्व फैलते हैं, क्लोरीन के परमाणु फैलते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन के परमाणु फैलने से ओजोन परत का क्षरण हुआ है। और मानते हैं कि ओजोन परत के क्षरण में ओजोन परत की कमी के लिए कौन सी गैस को मानते हैं, सीएफसी को जिम्मेवार मानते हैं। तो परमाणु के सीएफसी के फैलने चाहिए क्लोरीन के लिए होंगे। इसके पीछे ये है कि जब सीएफसी का विघटन होता है, जब सीएफसी के परमाणु टूटते हैं, जब सीएफसी का विघटन, जब जैसे हम सीएफसी को यूज करने के लिए रिलीज करते हैं वातावरण में, वैसे ही और सीएफसी को किसमें करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एसी में करते हैं। जब इनमें उपयोग होने के बाद इनका विघटन होता है तो विघटन होने से जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन के परमाणु निकलते हैं। इस सीएफसी का यूज करने के बाद में जो विघटन होने से अणु निकलते हैं वो क्लोरीन के होते हैं। और क्लोरीन के परमाणु जैसे ही वायुमंडल के अंदर प्रवेश करते हैं, संभाप क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हैं, ओजोन परत का क्या होता है, क्षरण होता है, ओजोन परत पतली होती है, ओजोन के जो अणु होते हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इनके संपर्क में आने से क्लोरीन के और ब्रोमीन के परमाणु के संपर्क में आने से। एक बात कह रहे हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इनके परमाणु जो होते हैं वो संभाप मंडल में ओजोन के अणुओं को नष्ट करते हैं। यानी क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु जब ओजोन के अणुओं के साथ क्रिया करते हैं तो ओजोन के अणुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जब ओजोन में ओजोन के अणु ही नष्ट हो जाएंगे वो परत का निश्चित रूप से क्या होगा, क्षरण होगा। इसको हम कहते हैं ओजोन परत में छिद्र हो जाना, ओजोन परत में क्षरण हो जाना, ओजोन परत की सांद्रता में कमी आ जाना या ओजोन परत का पतला हो जाना। ये कुछ टर्मिनोलॉजी लगातार चल रही रहती है। देखिए एक क्लोरीन जो होता है और एक अणु, एक क्लोरीन का अणु परमाणु कह सकते हैं, एक क्लोरीन का परमाणु और एक ओजोन का अणु जो होता है, इन दोनों की जब क्रिया होती है तो ये ऑक्सीजन का एक अणु क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेता है। तो सीएल होता है, क्लोरीन होता है, वो ऑक्सीजन का एक क्या करता है, अणु को अपने अंदर शामिल कर लेता है और उससे क्या बनती है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्या बनती है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड लेते हैं। और क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन के एक तत्व को मुक्त कर देता है।
ऑक्सीजन के एक तत्व को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, एक मुक्त कर देता है, और जब वो वापस दूसरे के साथ क्रिया करता है, दूसरे अणु के साथ क्रिया करता है तो O3 बन जाता है, ठीक है ना। तो CLO3 जो बनता है वो परमाणु को जो ओजोन के अणु है अणुओं को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी क्रिया बनती है उस क्रिया के कारण कि गैसें जो है वो ओजोन के इन अणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है। तो अणुओं के नष्ट होने से जो ओजोन के मात्रा में कमी आ रही है या ओजोन की जो शुद्धता उसमें कमी आ रही है और परावैगिक किरणों को आने से जो रोकने वाले अणु है उन अणुओं में क्या ये कमी आ रही है, जिसके कारण सूर्य की किरणों का जो परावैगिक नियम का सीधा प्रभाव जो है वो जीव जगत पर पड़ता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के रूप में अगर हम देखें तो ये ओजोन परत के क्षरण के मुख्य कारण माने जाते हैं, और मुख्य कारण जो है वो कौन है, ओजोनिक गैस है। तो ये ओजोनिक गैस जो है खास करके इसको हम इंपोर्टेंट मानते हैं। आप जब भी छोटी क्लासों में किसी क्लास में पढ़ोगे, किसी सामान्य व्यक्ति से पूछोगे कि जो इसके संदर्भ में कुछ जानकारी लगता है उससे पूछेंगे कि ओजोन परत में कमी आई इसके लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है या कौन सी जिम्मेवार, वो कहेगा सीएफसी। तो सीएफसी क्यों है, क्योंकि सीएफसी गैस के विघटन से ही क्लोरीन का जो है निर्माण होता है, क्लोरीन के परमाणु विघटित होते हैं फैलते हैं, और जब क्लोरीन के परमाणु संताप मंडल में फैलते हैं तो वो ओजोन के अणुओं के साथ क्रिया करके उनको नष्ट कर देते हैं। ये क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन के जो परमाणु है वो ओजोन के अणुओं को नष्ट करते हैं, और जब ओजोन में ओजोन के ही अणु नष्ट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ओजोन परत की जो सांद्रता है या ओजोन परत की जो मजबूती है उसमें कमी आ जाती है, और जब कमी आ जाती है तो सूर्य से आने वाले परावैगिक किरणों को रोकने वाले अणुओं की कमी हो गई तो निश्चित रूप से सीधी किरणें आएंगी और धरातल पर आएंगी और धरातल के जीव जगत को वो क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो ये कुछ कारण थे, इन कारणों के बारे में जानकारी दी। अब ओजोन परत के क्षरण का प्रभाव किस चीज पर पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। ओजोन परत का जो प्रभाव है वो किन चीज पर पड़ता है, ओजोन परत के प्रभाव के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर ओजोन परत का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये कुछ प्रभाव है जो ओजोन परत पर ओजोन पर क्षरण के प्रभाव, ओजोन पे क्षरण के मुताबिक ओजोन परत में जो कमी आ रही है, ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, ओजोन परत के पतला होने से क्या क्या प्रभाव जो है वो वायुमंडल के माध्यम से जब किरणें आती हैं और धरातल पर पड़ती है तो धरातल के जीव जंतुओं पर, पादपों पर, जलीय जीवों पर, जलीय पादपों पर इसका क्या प्रभाव होगा उनके बारे में देखते हैं हम। पहला प्रभाव जो है वो मानव के स्वरूप पर जो होगा, मानवीय गतिविधियों पर। सीधा सा बात यह है कि सूर्य से आने वाली जो परावैगिक किरणें हैं इनका प्रभाव जीव जगत पर ज्यादा होता है। जीव जगत पर ज्यादा देखने का मतलब ये हो गया, अब जीव जगत में सारी बातें मानव बीच में आ गई, जंतु वर्ग बीच में आ गया, पादप वर्ग बीच में आ गया, जलीय जंतु वर्ग बीच में आ गया, जलीय पादप वर्ग भी इसमें आ गया है। तो सभी प्रकार के नवजल जलचर जैसे भी है रीढ़ के हड्डी वाले स्तनधारी और इस सारे जीवों पर, जीव जगत का मतलब जीव जगत हो गया, इसमें जीवन है वो सारा जीव जगत हो गया, और जीवन जहां है वो जीवन इसी परत के माध्यम से है, क्योंकि यही परत नाप पोल के जितना तापमान समतल धरातल पर पहुंचना चाहिए उतना पहुंचाती है। दूसरा, सूर्य से आने वाले परावैगिक किरणों के हानिकारक प्रभाव को भी ये परत क्या करती है, रोकती है, इसलिए इस परत का अधिक प्रभाव होता है। देखिए कई प्रकार की बीमारियां जो है वो विकसित हो जाएंगी जिसमें त्वचा रोग के सूर्य की किरणें सीधी शरीर पर पड़ेगी, तो जीव जंतु हो चाहे मानव हो उसके त्वचा रोग से संबंधित कैंसर जो है वो पड़ेगा। खुली आंखों से हम धूप में घूमेंगे तो उन किरणों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा, तो मोतिया की जो आंखों पे एक काले रंग का या सफेद रंग का एक पॉइंट आ जाएगा जिससे हमें दिखना क्या हो जाएगा, बंद आ जाएगा, इसको मोतिया बिंद बोलते हैं। पादप तनाव, पादप तनाव का मतलब होता है जो समुद्री खाद्य श्रृंखला होती है उनके अंदर जो प्लैंकटन पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं, उन पादपों के जीवन की क्रिया जो होती है, जीवन चक्र जो होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। समुद्र की जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। फसलों की मात्रा गुणवत्ता में प्रभाव, इस सूर्य का सीधा प्रभाव पेड़ पौधों पर ज्यादा पड़ता है, फसलों में ज्यादा पड़ता है, तो फसलों की मात्रा
अधिक तापमान को सहन न करने वाली फसलें जल्दी नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा उनकी जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में भी क्या आएगा, अंतर आएगा, ठीक है ना। प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां विकसित होती जाएंगी और प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश के बिना हम नहीं रह सकते, और सूर्य के प्रकाश में जब जाएंगे तो ओजोन पर से क्षरण होने के कारण जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, जो वातावरण के साथ मिलकर हम अपने शरीर को एडजस्ट करते हैं, उसमें बदलाव आ जाएगा, और बदलाव आने के कारण हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो विकसित हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता वर्तमान के तापमान के अनुसार विकसित है, अधिक तापमान होने से अधिक सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से उस प्रतिरोधक क्षमता के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, तो निश्चित है प्रतिरोधक क्षमता का प्रभाव आएगा। मध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि सूर्य से आने वाला जितना तापमान सामान्य तापमान धरती पर आता है उसकी अपेक्षा पर्वत के पतला हो जाने से सूर्य का प्रकाश जो है उत्तीव्र गति से और अधिक ताप को प्रभावित करते हुए टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ने से क्या होगा कि मध्य रेखीय क्षेत्र के जो लोग हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधे पालन तंत्र है, उनके शारीरिक और मानव के मानसिक विकास जो है वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये कुछ प्रभाव थे, इन प्रभावों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब ओजोन परत के उपाय, ओजोन परत के क्षरण के उपाय क्या करते हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ओजोन परत के क्षरण को किन प्रभावों से रोकते